दोस्तों रिसेंटली उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में समुद्र तल से 6,150 फीट की ऊंचाई पर स्थित जोशीमठ से भयावह तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं, जहां पर लोगों के घरों की दीवारों पर रातों रात क्रैक्स पड़ने लगे हैं और जहां पहले से क्रैक्स थे वो घर ढहने की कगार पर आ गए हैं। पर क्या कारण है कि आज जोशीमठ में लोग अपने जीवन भर की कमाई से बनाए गए घरों को रातों रात छोड़ने पे मजबूर है? कारण नंबर एक, जोशीमठ एक ओल्ड लैंडस्लाइड जोन पर सिचुएटेड है और ये हैवी कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। पर कई रिपोर्ट्स को नजरअंदाज करते हुए यहाँ कंस्ट्रक्शन और टूरिज्म लगातार एक्सपैंड होता रहा और टनलिंग कंस्ट्रक्शन जैसे प्रोजेक्ट्स को भी यहाँ बेझिझक पास कर दिया गया। कारण नंबर दो, ज्योग्राफिकली जोशीमठ उत्तराखंड के जिस चमोली डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है वो भारत के सीस्मिक मैप के जोन 5 में आता है, जिसकी वजह से ये एरिया लैंडस्लाइड्स के एस्पेक्ट में काफी वल्नरेबल हो जाता है। कारण नंबर तीन, हिमालयन माउंटेन्स दुनिया के यंगेस्ट माउंटेन्स में से एक है, जिस वजह से ये सीस्मिकली एक्टिव, अनस्टेबल और फ्रेजाइल भी है और क्लाइमेट चेंज इस फ्रेजाइल माउंटेन इकोसिस्टम को हैवली अफेक्ट कर रहा है, जिससे एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स अकर हो रहे हैं जो जोशीमठ जैसे एरियाज में फ्लड्स और सॉइल इरोजन का कारण बन गया है। पर कारण चाहे जो भी हो, सवाल वही का वही है कि जिन लोगों को अपने सालों साल की कमाई से बनाए गए घर को रातों रात छोड़ना पड़ा, उनका जवाबदेही कौन है? इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।